श्याम तुमि जोदि राधा होते श्याम आमारि मतो दिबसनिशि आमारि मतो दिबसनिशि जोपिते श्यामनाम তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম শ্যাম তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম কৃষ্ণ কলঙ্কের জ্বালা মনে হতো মালতী কৃষ্ণ কলঙ্কের জ্বালা মনে হতো মালতী রুমালা চাহিয়া কৃষ্ণ প্রেম জনমে জনমে আসিতে ব্রজধাম তুমি যদি রাধা শ্যাম শ্যাম তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম। হ্যাপি জন্মাষ্টমী টু অল অফ আওয়ার ভিউয়ার্স। আই হ্যাভ দীপ তর্কদা উইথ মি, অ্যাজ ইউ অল নো হিম। সো দীপ তর্কদা, ডাইরেক্টলি ইন জাম্পিং ইন টু দ্য টপিক that Lord Sri Krishna is being worshipped for these 4,000 years. And as far as I came across the philosophical figures or religious figures, I have seen that he is the epitome of controversies and mostly criticized religious figure. आप तो जानते ही है कि माखन चोर ऐसा, मतलब फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज माखन चोर, उसके बाद ही हैड स्टोलन द क्लोथिंग्स ऑफ द गर्ल्स, ब्रजवासी जो नारी थे गोपिनियों का वो साड़ी चुराए थे, तो वो सब तो है। आफ्टर दैट व्हेन ही केम टू इन द लार्जर पिक्चर ऑफ ऑल इंडियन पॉलिटिक्स, देन ही इज एक्यूज्ड टू इट दैट बहुत सारे चल चतुरी से वो ही गॉट द विक्ट्री। सो देयर आर अ लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड ऑल दैट, बट स्टिल आफ्टर 4,000 इयर्स ही इज बीइंग वर्शिप्ड विथ सो मच पॉपुलरिटी। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द इनकर्नेशंस। कृष्णा इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर गॉड एंड गॉडेसेस लाइक दुर्गा, काली, शिवा। He is amongst the incarnations of gods and he is the most popular, and also being said that Krishnastu Bhagavan Swayam. So how do you figure it out? I mean, how will you explain it? Ji Subhashish, pehle to aapko aur aapke darshakon ko sabko jai Shri Krishna, hathi ghora paar ki jai, kanhaiya lal ki। तो जी हाँ, आप बहुत बहुत सुंदर उपस्थापना की आप ये जो टॉपिक है उसका। और देखिए, उस समय से श्री कृष्ण बहुत चर्चित, बहुत आलोचित एक क्या बोलते हैं, एक चरित्र है, ठीक है, जिनके बारे में गलत फहमी तो मानो ऐसा है कि जैसे कि सागर में जैसे बूंदे हो पानी की। ही हैज बिकम has been drawn out of context, sometimes in context, and that is because Shri Krishna is not a normal, everyday, goody-goody sort of saintly character. He is much beyond the opposites of saintlyhood or good, bad. ये सबसे परे है। तो अब क्या बोले उनके बारे में, बोलते हैं तो हृदय पूर्ण हो जाता है।
उनको कुछ दिन पहले कोई तो क्वोरा पे पूछ रहे थे कोई क्वेश्चन, हाउ कैन यू वर्शिप कृष्णा व्हेन ही वाज सो कैरेक्टरलेस दैट ही हैड 16,000 वाइव्स। ये तो इतना एक उनके बारे में है कि वो कैरेक्टरलेस, आप यस सोचिए। हाँ, हम लोग उनको पूछते हैं कि ऋषिकेश बोल के, जिनका अच्युत बोल के, जिनका धर्म कभी च्युत हुआ ही नहीं। हाँ, हम लोग उनको बोलते हैं कि योगेश्वरो हरि। तो उनको समझना बहुत ही दिक्कत है। जब तक ना आप उस हिसाब से शायद उनको देख पाओ कि ये सही में भगवान है, ये योगेश्वर है, योगियों के ईश्वर है, तब तक उनको समझना बहुत मुश्किल है। ये मेरा मेरी राय है। मैं बस एक बात आपको जी इंटरप्ट कर रहा हूँ. दिस इज नॉट द जी फॉल्ट ऑफ आवर जनरेशंस. नो 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 इवन इफ यू रीड विद्यापति जयदेव, जी आप जी गीत गोविंद पढ़िए, वो एक काम शास्त्र के बराबर है. हाँ, जी भागवतम में आप देखिए तो जब राधा या गोपी प्रेम जब चल रहे थे, उस उनके एज था 8 ईयर्स एंड राधा वाज 20 ईयर्स. तो ये जी प्रेम स्वामी विवेकानंद है से दैट ये प्रेम को समझने के लिए आपको सेलिबेसी, आपको ब्रह्मचर्य चाहिए. काम गंध शून्य प्रेम है 12 साल ये. कठोर ब्रह्मचर्य, हाँ, बहुत तो 12 साल वो बोल रहे थे समझना इतना ब्रह्मचर्य। आसान तो है नहीं. उधर विद्यापति चंडीदास से शुरू करके आज का जेनरेशन का जो भी लिटरेट है, जो लिटरेचर लिख रहे, वो अपनी तरीका से लिख रहे. इनमें मॉडर्न जनरेशन का दोष नहीं है, ये बहुत पुराना काल से चल रहा है कि जैसे है उसको छोड़ के बच्चा था, गोपाल था तब, जी उनको लेके क्या क्या नहीं लिखा गया है. जी देखिए वो ही बात है, शिशुपाल से लेके क्या बोले, आज का जो जनरेशन है कोई नहीं उनको छोड़ा। और क्योंकि यही है कि जो श्री भगवान गीता में जैसे बोलते हैं, जन्म कर्म चमी दिव्यम, मेरा जन्म कर्म सब दिव्य है, उसको समझने के लिए भी वो थोड़ा दिव्यता तो चाहिए। पता भाई चाहिए. सही सेम चीज हो जाता है, जैसे सही जैसे स्वामी जी के साथ भी है ना, वो बोल देते फटाफट फटाफट, और कंडीशन इतने कॉन्फिडेंस के साथ एक एक लोग बोल देते स्वामी जी के बारे में। तो सेम है श्री कृष्ण के साथ। जहां तक उनकी जो आप वो पहले शुरू किए थे, जो एक बात बहुत सही बोले आप कि 8 साल के बच्चे थे वो, जब ये सब कहानियां जब बोला जाता है, तो यही है कि वो ही वॉज अ मास्टर ऑफ हिज सेंसेस। और जब भक्त थे जो उनके जो उनसे प्रेम करते, उनके शरीर के पार ले जाना चाहते थे। गोपियों में वो एक थोड़ा सा बंधन रह गया था, जो लाज मान अभिमान ये सब का, तो वो शरीरत्व छुड़वा दिए वही करके, वस्त्र हरण करके जो बोले। और रासलीला के बारे में जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। स्वयं परीक्षित के मन में ये आया था, परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि ये तो वो भगवान थे, फिर वो ऐसे क्यों किए कि दूसरों की पत्नी के साथ ये सब लीला खेल क्यों किए। तब सुखदेव जो बोले थे वो सराहनीय है। सुखदेव सेड दैट भगवान शिव रुद्र कालकूट पान कर सकते हैं, आप और मैं नहीं पान कर सकते, आम आदमी साधारण आदमी नहीं कर सकते वो। तो श्री कृष्ण के साथ भी वही है। फिर सुखदेव बोलते हैं कि वो अलग किससे वो अलग है बताओ, वो तो सबके अंतरात्मा है, सब में अंतर्यामी रूप में वो वासुदेव वसति सर्वभूतेषु, सब में वास्तव जो वास कर रहे हैं वो है। तो वो ये गोपियों की पति के रूप में भी वो थे, गोपियां खुद वो थे, उनसे अलग कौन है, कौन उनसे पहले है। और क्या है, वो प्रेम प्रेम है, महाप्रेम का समुन्दर है। अब जो जिस तरह से उनको देख सकते हैं वैसे ही देखते हैं। कोई दुच्चा लफंगा देखता है, तो कोई उनको परब्रह्म परमेश्वर, तो कोई वो प्रेम का पराकाष्ठा देखते हैं। वैसे ही है ना, जैसे कोई स्वामी जी को कोई तो है, एक कोई वैष्णव था जो रास्कल बोला था, रास्कल राइट बोल के सबको वो रास्कल बोलते जाता था। अब जो रास्कल है वो तो रास्कल ही देखेगा, है ना। तो ऐसे ही सही शिशुपाल, सही ये लोग शिशुपाल, ये लोग सब लुच्चा लोफर देखता था उनको, छल शकुनी जैसे आदमी उनसे डरते थे, सोचो। तो जो वह तुलसीदास जी बोलते रामायण में, जो जिसका जैसे भावना हो सो देखे रघुराई, जो छलिया हो कपट हो वो उसमें देखते छल कपटी,
और जो सीधा हो साधा हो, जैसे युधिष्ठिर वो देखते सीधा साधा सादगी भरा एक इंसान, तो यही है हमारे कन्हा कान्हा, जो जैसे हो वो एक तो एक अच्छा, दर्पण की तरह है। फिर भी आप मुझे लगता अमंगस्ट ऑल अदर रिलीजियस फिगर्स एंड इनकार्नेशंस ऑफ गॉड, यू कैन नॉट फिट लॉर्ड श्री कृष्णा इन एनी वेयर। मतलब जैसे हमारा जो जी स्टैंडर्ड है ना, कि जो धर्म पथ में है लाइक बुद्धा चैतन्य, वो नारी से थोड़ा दूर हाँ रहेगा। कृष्णा वॉज नॉट दैट। हाँ, वो लोग रेनाउंसिएशन करेगा, कृष्णा उपदेश दे रहे गीता में संन्यास योग का, उसका अनअटैचमेंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ संन्यास, पर खुद अटैच है सब में। एब्सोल्युटली द वर्ल्ड इज विद इन हिम, बट ही इज नॉट, ही डजंट बिलोंग टू द ही इज वर्ल्ड। नॉट इन द वर्ल्ड। जी जी हाँ, आप देखिए कि वो द्रौपदी को सेव किया, पर खुद का जो फैमिली यदुवंश, उसको सेव नहीं किया। हाँ, ये सब क्वेश्चन यही तो आता ही है, सोचिए मतलब दोस आर फैक्ट। ये सही बात। ये सन्यासी गेयस्य नित्य सन्यासी यूना द्वेष्टि न कुष्टि नेतबंधो ही महावाहो सुखम बंधा प्रमुचते। अर्जुन को बोल रहे हैं उसको जानो सन्यासी जो ना द्वेष करते ना कांक्षति, ना कोई कामना है। अब देखिए श्री कृष्ण के जीवन में कामना किस चीज का कामना है, मैं बोली वो लोग सोचते कि बहुत बड़ा भोगी थे, इतने सारे गोपियां इतने सारे पट रानियां। तो एक एक छोटी सी कहानी बताते हैं जो जो हाँ, शायद पूरा दर्शकों को भी समझा दे कि वो कितना बड़ा हाउ अनअटैच्ड थे, बस कितना बड़ा सन्यासी थे। तो एक बार कहानी ऐसी है और ये भागवत में लिपिबद्ध है, ये नहीं कि मैं बना रहा हूँ ऐसे जैसे मॉडर्न एज। श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ बैठे थे अपने कक्षा में और श्री कृष्ण पूछते हैं रुक्मिणी देवी कि रुक्मिणी तुम क्या देख के मुझसे शादी की थी। देखो मैं तो एक आम ये हूँ ग्वाल हूँ, ठीक है ना, मैं कोई बड़ा राजा हूँ ना कुछ, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है और मैं देखो बहुत ही साधारण हूँ। और मुझे देखो मेरा जो मुझे जो भक्ति करते हैं ये करते हैं वो लोग भी है जिनके पास कुछ है ही नहीं, योगी लोग साधु लोग, हाँ जिनके पास कुछ अर्थ है नहीं कोई यश नहीं है वो लोग ही मुझे पूछते हैं तो क्यों मुझे तुम शादी की, मेरे से विवाह क्यों की। और देखो मैं तो तुमको भगा के लाई थी लाया था बस इसका घमंड तोड़ने के लिए, रुक्मी का शिशुपाल इन लोग का, नहीं तो मुझे क्या है, मैं तो किसी चीज से किसी से भी मैं आकर्षित हूँ ही नहीं, ठीक है मैं तो मेरे आत्माराम दशा में स्थिति में हमेशा स्थित हूँ, जैसे कि प्रदीप है वो जो प्रदीप के रोशनी से सब कुछ देख सकते हो, मैं भी वैसे ही प्रदीप हूँ। देखिए मेरे में कोई ना किसी से लगाव है ना किसी से कोई ये है मींस वो पैशन इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे कुछ। तो सही। रुक्मिणी देवी लिटरली रोने लगती है, तो बाद में वो कहानी हाँ, ऐसे कि वो भी मस्त उनका भी जो उत्तर होता है वो पढ़ने लायक है, वो भी बोलती सही बोले आप, आपका तो चरण लक्ष्मी देवी खुद धोती है, ऐसे सब बोलती है। बाद में बोलती है आपको छोड़ के मेरा और कहती नहीं है मैं आपका शरण है। तब श्री कृष्ण देखो और कैसे वो ह्यूमरस थे, सर्वदा प्रसन्न वदनम, तब वो मुस्कुराते हुए बोलते अरे मैं थोड़ा तुमको ऐसे ही चिढ़ा रहा था, ऐसे थोड़ा पत्नी के साथ श्रृंगार ना करूं, मजाक हंसी मजाक ना करूं तो किसके साथ। देखो हाउ डिवाइन एंड हाउ ह्यूमन, राइट, जब बोल रहे सही हैं है, मेरे सही है। किसी से कोई लगाव नहीं है, तो यही तो वो थे ही। जैसे वो बोलते भी है अर्जुन को गीता में अहम ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मुक्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि नचे हम तह अवस्थिता, बोलते देखो ये सब जो भूत विश्व चराचर देख रहे सब मुझ में है लेकिन मैं ये सब चीज में नहीं हूं, है ना। देखिए क्या आप मस्त इसको है इसको वही हाउ समझ सकते हैं जो ग्रेट। जो खुद कृष्णा बन जाएगा ना। मतलब जैसे इन हिस्ट्री वी कैन सी लॉर्ड श्री चैतन्य देव एंड द लीगेसी कंटिन्यूज टू श्री रामाकृष्ण, जिनमें ये सब खूबियां दिखा के रहता, एब्सोल्युटली जो ऑल द सिम्टम्स, आई मीन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकार्नेशंस। जी
अब वही समझ पाएगा ना उनको, महाभाव 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 सही से, और जो कृष्ण के प्रेम में मग्न हो जाएगा। देखिए क्या है, सब हो सकता है दुनिया के लिए वो हो, बहुत बड़ा स्टेट्समैन हो, बहुत बड़ा शूरवीर हो, लेकिन जैसे जो आम भक्त है उनके लिए तो वो है अपना प्यारा कान्हा, और यही परिचय एक्चुअली उनका सबसे सही परिचय है कान्हा। और बाकी जो है उनका वो बोलता है जैसे ऐश्वर्य है उनका, इवन गीता भी उनका ऐश्वर्य का प्रकाश है, वो जगत गुरु के रूप में वो उनका जो ज्ञान है, ज्ञान का जो सूरज वो पूरा, लेकिन उनका प्रेम का चंद्रमा आपको देखना है या अनुभव करना है तो उनका वृंदावन लीला। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पथे, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, ब्रीषभानुसूते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। Happy Sri Krishna Janmashtami to all of you.